हेलो दोस्तों, माय नेम इज विशाल एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न हो। दोस्तों आज हम सीखेंगे एक्सेल में कैसे आप रिजल्ट, ग्रेड और रैंक निकाल सकते हैं, वे भी एक्सेल फार्मूला के यूज से। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले निकालते हैं रिजल्ट। दोस्तों रिजल्ट निकालने के लिए सबसे पहले लगाएंगे इक्वल टू, उसके बाद टाइप करेंगे इफ़। उसके बाद देखिए दोस्तों नीचे यहाँ पर शो हो रहा है, इसे आप जो है टैब की से कर लेंगे सेलेक्ट। उसके बाद जो है आपको दोस्तों सेलेक्ट करना है परसेंटेज, ठीक है, मैं कर लेता हूँ परसेंट को सेलेक्ट। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे कंडीशन देना है कि अगर सेलेक्ट परसेंट, ठीक है, ग्रेटर देन हो 33% से, ठीक है, तब तो यहाँ पे लिखा हुआ है पास, ठीक है। पास को दोस्तों आपको लिखना है डबल कोट के अंदर, फिर लगाएंगे कॉमा। अब अगर नहीं होगा तब तो आपको लिखना है डबल कोट के अंदर फेल, ठीक है, फिर डबल कोट क्लोज, फिर ब्रेकेट क्लोज। देखो दोस्तों मैं आपको फार्मूला दोबारा समझा दे रहा हूँ। अगर सेलेक्ट परसेंट अगर 33% से बड़ा होगा तब तो यहाँ पे लिखा हुआ है पास, पास को लिखना है डबल कोट के अंदर, फिर कॉमा में लगाया। अगर बड़ा नहीं होगा तब तो लिखा हुआ है यहाँ पे फेल, ठीक है, आप करना एंटर। देखिए दोस्तों ये जो ये क्या है 33% से बड़ा है इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है पास। इसे मैं क्या करता हूँ लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग कर देता हूँ। देखिए दोस्तों केवल यहाँ पर एक जगह फेल आया है, ये आया है 31.2% पे। क्यों आया? क्योंकि ये 33% से क्या है लेस है। दोस्तों इसी प्रकार निकालेंगे हम ग्रेट। दोस्तों ग्रेड फार्मूला लगा निकालने के लिए हम यहाँ पर भी दोस्तों लगाएंगे इफ फार्मूला। दोस्तों इफ फार्मूला लगाने के लिए क्या करेंगे, पहले लगाएंगे इक्वल टू, उसके बाद टाइप करेंगे इफ। दोस्तों यहाँ पे नीचे शो हो रहा है इसे टाइप किसे कर लेंगे सेलेक्ट। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे करना है परसेंटेज को सेलेक्ट, मैं करता हूँ परसेंट को सेलेक्ट। अगर सेलेक्ट परसेंट ग्रेटर देन होगा, अगर दोस्तों सेलेक्ट परसेंट ग्रेटर देन होगा 60 से, ठीक है, देन यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ आई ए, ठीक है, फिर लगाएंगे दोस्तों कॉमा, फिर देन दोस्तों फिर आपको लगाना है इफ़, फिर दोस्तों टैब किसे करेंगे सेलेक्ट, फिर करेंगे दोस्तों इस परसेंटेज को सेलेक्ट, ठीक है, जिसको हमने पहले सेलेक्ट किया था। फिर उसके बाद दोस्तों लगाना है ग्रेटर देन, अगर दोस्तों ये सेलेक्ट परसेंट अगर दोस्तों 45% से बड़ा होगा तब तो दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है बी, फिर लगाएंगे दोस्तों कॉमा, डबल कोट के अंदर आपको टाइप करेंगे बी, ठीक है। फिर दोस्तों क्या करना है आपको, फिर लगाना है दोस्तों कॉमा, फिर यहाँ पे आप टाइप करेंगे इफ़, फिर टैब किसे कर लेंगे सेलेक्ट। उसके बाद दोस्तों फिर इसी परसेंटेज करना है सेलेक्ट। उसके बाद दोस्तों आप क्या करना है, अगर सेलेक्ट परसेंट ग्रेटर देन होगा 33% से, देन दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है सी, ठीक है, इसे डबल कोट के अंदर कर देता हूँ सी, फिर लगाऊंगा कॉमा। अगर दोस्तों इसमें से कुछ भी मैच ना हो तब तो यहाँ पे लिखा हुआ है फेल, फेल को भी दोस्तों आपको डबल कोट के अंदर टाइप करना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है ब्रैकेट 3 बार ओपन हुआ है, 1, 2, 3, आपको 3 बार क्लोज भी करना है। यहाँ पे मैं क्लोज करता हूँ, उसके बाद दोस्तों प्रेस करना है एंटर। देखिए दोस्तों पहला आ रहा है सी, क्यों? क्योंकि ये 33% मतलब 33% और 45% के बीच में है। उसके बाद जो है आपको पकड़ लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग करना है। देखिए दोस्तों यहाँ पर ए आ रहा है, क्यों? क्योंकि 60% से ज़्यादा है, हमने यहाँ पर यही कंडीशन दिया है। देखिए दोस्तों यहाँ पर सो रहा है फार्मूला बार में, अगर दोस्तों सेलेक्ट परसेंट अगर 60% से बड़ा होगा तब तो यहाँ पे लिखा हुआ है ए, फिर दोस्तों मैंने लगाया कंडीशन अगर सेलेक्ट परसेंट 45% से बड़ा होगा तब दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है बी, अब फिर दोस्तों मैंने लगाया अगर 33% से अगर बड़ा होगा तो लिखा है सी, अगर दोस्तों इसमें किसी कोई भी मैच नहीं हो रहा है तब तो यहाँ पर लिखा हुआ है फेल। उसके बाद दोस्तों प्रेस करता हूँ एंटर। देखिए दोस्तों यहाँ पर सेम सबका जो है ग्रेड निकल गया। इसी प्रकार दोस्तों रैंक निकालते हैं। दोस्तों रैंक निकालने के लिए आप लगाएंगे इक्वल टू, फिर टाइप करेंगे रैंक, टाइप किसे कर लेंगे सेलेक्ट। दोस्तों रैंक का यूज होता है जैसे कि इसमें से हमें निकालना है कि इसमें से नंबर वन रैंक पे कौन है, ठीक है, इसमें से कौन से स्टूडेंट नंबर वन रैंक पे है उसका रैंकिंग निकालना है। दोस्तों रैंक निकालने के लिए आप यहाँ पे लगाएंगे इक्वल टू, उसके बाद आप टाइप करेंगे रैंक। देखिए दोस्तों नीचे शो रहा है इसे टैप किसे या डबल क्लिक से कर लेंगे सेलेक्ट। उसके बाद दोस्तों क्या करना है सेलेक्ट परसेंट करना है, ठीक है, पहला परसेंट जो है उसको करना है सेलेक्ट। उसके बाद लगाएंगे कॉमा, उसके बाद दोस्तों सेलेक्ट ऑल परसेंट ऑफ स्टूडेंट। उसके बाद दोस्तों आप एक चीज़ याद रखना है, यहाँ पे आपको प्रेस करना है F4, ठीक है, तुरंत आपको दोस्तों प्रेस कर देना है F4। दोस्तों F4 में क्यों प्रेस कर रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि रैंक जो है किसी किसी का समान आ जाता है, ठीक है दोस्तों, रैंक दोस्तों समान नहीं होता है। तो आप क्या करेंगे, इसको करेंगे ब्रैकेट क्लोज, प्रेस करेंगे एंटर। उसके बाद दोस्तों आप क्या करना है, यहाँ से लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग कर देना है। देखिए दोस्तों रैंक निकल गया। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल कर लीजिएगा सब्सक्राइब, जिससे आने वाले जितने भी नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद दोस्तों।